राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज हम खड़े हैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल हांसी में, वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की, और जो CBSE से एफिलेटेड हो गया है, मॉडल संस्कृत स्कूल है। और वर्दी हमारे साथ में प्रिंसिपल हैं, आप खुद ही बताइए अपना नाम। मेरा नाम राजेश बढ़ाना है। राजेश बढ़ाना जी IAS जो हैं, एक्स जो हैं, रह चुके हैं और अब यहाँ नए प्रिंसिपल आए हैं। आपका हमारे हंसी की आवाज़ पे हाथ दिखा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक विजन के रूप में यहाँ आए हैं और इस विद्यालय यहाँ हंसी का एक प्रमुख विद्यालय रहेगा और हम इस विद्यालय में आपको इंग्लिश मीडियम में CBSE से अफिलेटेड एजुकेशन देंगे और बॉयज़ के साथ गर्ल्स का भी एडमिशन किया जाएगा। थैंक यू सर। अब एग्ज़ाम चल रहे हैं? हाँ, परीक्षाएं चल रही हैं और हम इसमें जो SOP हैं कोरोना वायरस को लेकर, उन सभी का हम पालन कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया जा रहा है जिनकी परीक्षा है, अन्य बच्चों को अपने घर पर तैयारी करने के लिए कहा गया है। इस सेशन के अंदर कौन सी क्लास को आप CBSE में एडमिशन देने जा रहे हैं? हम 6th, 7th, 8th, 9th और 11th और के बच्चों को इस साल से एडमिशन करेंगे, और जो हमारी एग्जिस्टिंग जो इस साल इस सेशन में 10th और 12th क्लास रहेगी वो हरियाणा बोर्ड से ही संबंधित रहेगी। बाकी अन्य सभी क्लासे हैं वो CBSE से एफिलेटेड होंगी और इंग्लिश मीडियम रहेंगी। नेक्स्ट सेशन से ये 10th और ये जो 12th है ये CBSE से होगा? हाँ, नेक्स्ट सेशन से जो अब जो हमारी प्लस वन आएगी वो 12th में CBSE से एग्जाम देगी, और जो 9th क्लास आएगी और नेक्स्ट सेशन में जो 10th बनेगी वो भी CBSE से एग्जाम देगी। सिर्फ जो एग्जिस्टिंग है इस वर्ष के लिए 10th और 12th वो हरियाणा बोर्ड से रहेगी, और न्यू एडमिशन सारे के सभी CBSE से अफिलेटेड रहेंगे। तो न्यू एडमिशन कब से शुरू है आपके? 1 अप्रैल से हमने एडमिशन की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू कर दी है, और उसके लिए हम एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होने के बाद में एक हम निश्चित डेट को उन सब बच्चों की परीक्षाएं लेंगे और जो हरियाणा सरकार के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनके अनुसार उनका एडमिशन किए जाएंगे। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितनी स्कीम्स हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जब ये मॉडल संस्कृति स्कूल बनी गया है? तो अब हरियाणा सरकार ने इसके लिए स्पेशल बजट दिए हैं जिसमें डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम और एजुकेशन के माध्यम से एजुकेशन दी जाएगी। प्लस वन में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन की फैसिलिटी भी इस विद्यालय में उपलब्ध रहेगी। मेरे साथ खड़े हैं मिस्टर चुग जो है मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। चुग साहब, आपने पहले भी जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था आप ही स्टेज कंपेयर कर रहे थे, बताइए कि गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का और स्कूलों से हटकर क्या बेनिफिट है? देखो सर, बेनिफिट ये है कि मैं पहले भी मॉडल स्कूल के अंदर पढ़ा चुका हूँ। सिसाई के अंदर एकमात्र स्कूल था इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं वहाँ भी हमने स्कूल स्टार्ट किया था 2007 के अंदर, पहला बैच हमारा ही था, और यह भी मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि स्कूल को भी मॉडल बना दिया गया है। मेन जो चीज़ इसके अंदर है, हमारे जो आसपास के गांवों के विद्यार्थी हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ पाएंगे, फीस नामात्र फीस के अंदर बच्चे पढ़ पाएंगे। केवल और केवल 500 रुपये फीस रखी गई है 9th to 12th क्लास की, और जो छोटी क्लासेस की फीस है 300 रुपये, 400 रुपये और 200 रुपये। ये फीस, ये जो प्राइवेट स्कूल हैं इनकी पैरिटी में ये स्कूल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो हमारी फैकल्टी है सर, पूरे हिसार के अंदर बेस्ट फैकल्टी है, और वो तो जो हमारे आसपास के स्कूल है इसके आगे पीछे भी नहीं है सर, इतनी बेस्ट फैकल्टी है। और दूसरी हमारी खुशकिस्मत, हमारे जो प्रचार्य जी हैं, जैसे कि आपने पहले ही बताया है IAAS, इनकी सर्विसेज का भी हमें लाभ मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाभ हम इनका ले पाएंगे। ये IAS अलाइड में आए जी, और ये तो मेरे लिए एक बड़ा, यानी कि एक बड़ी विचित्र सी बात है कि IAS अलाइड को छोड़ के इन्होंने एजुकेशन फील्ड ज्वाइन किया है। ये तो इसका तो बहुत यानी कि प्रेस्टीज है सर, ये तो आप इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हैं और हमारे लिए भी। और मैं, आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है क्या? हाँ, मैंने सर कल ही वैक्सीन लगाई है। हाँ। और मैं अपने जो और भी साथी हैं, टीचर गण है, अध्यापक गण है, उनको भी कहना चाहूँगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड मुझे वैक्सीन लगवाने में लगा और कोई भी कोई कॉम्प्लिकेशन। स्टाफ मेंबर्स को हम मोटिवेट कर रहे हैं इसके लिए, सबसे पहले मैंने वैक्सीन खुद ली है, 30 मार्च को मैंने वैक्सीन ले ली है पहले डोज। धन्यवाद साहब, शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं हम, यानी कि ये राजकीय स्कूलों को वैसे ही यानी कि इग्नोर करते हैं, लेकिन ये स्कूल अपने आप में एक आइकॉन बने, ये हमारी यानी कि शुभकामनाएं हैं। प्रिंसिपल महोदय नए आए हैं, बढ़ाना साहब, लेक्चर चुग जी, वीरेंद्र बेनीवाल जी, इनकी हाइट ही बता रही है, जितनी इनका ऊंचा कद उतना इनका व्यक्तित्व भी है। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह हम सभी तरह के एजुकेशन के प्रोग्राम कवर करते रहेंगे। देखते रहिए हांसी की आवाज़।